आज 22 सितंबर 2024 है और आसाम में कई जगह हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस है। ये मेनली क्लियर टू पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशंस की वजह से है, जिसके कारण हाई सोलर इंसोलेशन हो रहा है और इस वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है आसाम के कुछ इलाकों में, जो कि करीब करीब नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्लेन्स ऑफ आसाम है इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले 48 घंटे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है, जो कि सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और रही बात टेम्परेचर की, तो यस्टरडे जो मैक्सिमम टेम्परेचर उन स्थानों का जहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक थे, नॉर्थ लखीमपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस, डिब्रूगढ़ में 38.5 डिग्री सेल्सियस, तेजपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस, नगांव में 38.5 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी एयरपोर्ट में 38.2 डिग्री सेल्सियस, रंगिया में 38 डिग्री सेल्सियस, तिनसुकिया में 37.9 डिग्री सेल्सियस, माझभात में 37.8 डिग्री सेल्सियस, ग्वालपाड़ा में 37.8 डिग्री सेल्सियस, धुबरी में 36.8 डिग्री सेल्सियस और जोरहट में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और इसी तरह से जो आज मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया, जहां पर मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में 29 डिग्री सेल्सियस, ग्वालपाड़ा में 28 डिग्री सेल्सियस, धुबरी में 27.8 डिग्री सेल्सियस, माझभात में 27 डिग्री सेल्सियस, लुमडिंग में 26.9 डिग्री सेल्सियस, तेजपुर में 26.6 डिग्री सेल्सियस, रंगिया में 26.2 डिग्री सेल्सियस, जोरहट में 25.8 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ लखीमपुर में 24.8 डिग्री सेल्सियस और सिलचर में 24.4 डिग्री सेल्सियस ये रहा रिकॉर्ड किया गया था। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में असम के कुछ प्लेन एरिया के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। वेस्ट असम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सेंट्रल असम में 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ ईस्ट असम में 36 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं साउथ असम में 34 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर के आसपास जो है वो रहने की संभावना है। इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आने वाले 48 घंटों में जो मिनिमम टेम्परेचर है असम के जो प्लेन एरिया है उसके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये टेम्परेचर जो है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। तो वेस्ट असम में 26 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस, सेंट्रल असम में 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ ईस्ट असम में 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं साउथ असम में 24 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने की संभावना है। चूंकि गर्मी बहुत अधिक है और सामान्य लोगों के लिए भी हीट को टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा है, विशेषकर बच्चों को, एल्डरली पीपल को, एक्सपेक्टिंग मदर्स को और जो बीमार लोग हैं उनकी तकलीफ बढ़ गई है, तो ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, साथ ही साथ अपने सिर को ढांके, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक जो लिक्विड है उसका सेवन करें ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और हमारे जो किसान भाई हैं और जो वर्कर्स हैं जो कि धूप में काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत देर तक जो है धूप में काम ना करें, कुछ देर काम करें फिर थोड़ी छाया में आकर के अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें। और साथ ही साथ अपने व्हीकल्स में जो है, जो व्हीकल्स पार्क किए हुए हैं धूप में, उसमें बच्चों और पेट्स को जो है छोड़े नहीं। और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो भी अगर कोई फंक्शन वगैरह अगर करना है तो ये जो पीक आवर्स है गर्मी का, इसको अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर रहेगा।